हेलो फ्रेंड, वेलकम इन होम नर्सिंग एकेडमी। मैं नील कांटीवाला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे स्टाफ नर्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो भी CHO एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखिए। अगर आप स्टाफ नर्स और CHO के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में आपको जो भी टेस्ट सीरीज है और जो भी नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे, वो आपको हमारी एप्लीकेशन है होम नर्सिंग अकेडमी है वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आपको बताना है कि बॉल एंड सॉकेट जो भी जॉइंट है उसका एग्जाम्पल बताना है, कौन सा जॉइंट है। ऑप्शन में देखिए एल्बो, हिप जॉइंट, थंब एंड फिंगर्स, बिटवीन रिस्ट बोन्स। तो आपको बताना है कि कौन सा जॉइंट है, वो बॉल और सॉकेट जॉइंट है। जो भी राइट आंसर है वो जल्दी कमेंट कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, हिप जॉइंट। ठीक है, हिप जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट मतलब इसमें जो बोन है ये यूं समझिए ये कोई बोन है। ठीक है, ये इसकी क्या हुई बॉल, और ये किसी एक सॉकेट में फिट होगी, इसे किसी दूसरी बोन की सॉकेट में। ठीक है, ये इसमें फिट होगी, ये क्या हो गया बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट के दो उदाहरण है जिसमें आपका गया एक हिप जॉइंट और दूसरा है शोल्डर जॉइंट। ये दोनों जॉइंट किसके उदाहरण है, बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, ये देखिए ये एक सॉकेट बनता है जिसमें अपना एक शोल्डर जॉइंट होता है। शोल्डर जॉइंट में ये कौन सी बोन होगी, ये होगी ह्यूमरस। ह्यूमरस में और ये क्या है, ग्लेनोइड कैविटी। ठीक है, इसी के अंदर जो सॉकेट है ये क्या है, ग्लेनोइड कैविटी। इसके अंदर जो भी ह्यूमरस बोन है उसका एंड है जो भी बॉल टाइप का होता है वो इसमें जुड़ता है। ठीक है, और ये किसका निर्माण करता है, शोल्डर जॉइंट का, ये क्या है बॉल एंड सॉकेट। इसी तरीके से जो फीमर है, ठीक है, इसी तरीके से जो फीमर है वो एसिटाबुलम कैविटी में जुड़ेगी। ठीक है, वहां पे क्या बनाएगी, वो हिप जॉइंट। तो एग्जाम्पल आपको बताना है बाल एंड सॉकेट जॉइंट का, तो वो क्या हो गए, हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, हिप जॉइंट। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन कैन बी इंजेक्टेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल्स। लास्ट में ये जरूर देख लेना, एक्सेप्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है आपको इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन के बारे में बताना है, ऑप्शन में आपको दे रखा है, तो ऐसा कौन सा आपको ऑप्शन चूज करना है जो इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन नहीं देंगे। तो इसीलिए इसमें यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़कर, क्या होता है कि हाँ इसी आधार पे जो भी स्टूडेंट है एक्सेप्ट को कई बार छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि यहाँ पे पूछा क्या है। ठीक है, तो उनको वो सबसे जरूरी क्या है, उनको दिमाग में आ जाता है डेल्टॉइड आ जाता है, ग्लूटियल कुछ भी आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी क्वेश्चन के आगे एक्सेप्ट लग रखा है तो वो पूरे क्वेश्चन का मतलब वो चेंज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी साइट है जो इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन के लिए नहीं है। ऑप्शन में देखिए वेस्टस लेटरलिस, डेल्टॉइड, ट्राइसेप्स और ग्लूटियल। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, जो भी राइट आंसर है वो जल्दी कमेंट कीजिए CHO के हिसाब से, और ये आपके जो भी स्टाफ नर्स की जो भी वैकेंसी है उसके हिसाब से आप अगर देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ट्राइसेप्स। हम ट्राइसेप्स से कभी भी इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन है वो नहीं देते। वेस्टस लेटरलिस ये बच्चों में काम में ली जाती है, सबसे ज्यादा बच्चों में काम में ली जाने वाली साइट कौन सी है, वो है वेस्टस लेटरलिस। ठीक है, डेल्टोइड पे भी हम इंजेक्शन लगाते हैं, आजकल तो आपको पता होगा कोविड का इंजेक्शन है वो डेल्टोइड पे लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लूटियल। ग्लूटियल के दो रूट हो गए, जैसे डोर्सो ग्लूटियल है, वेंट्रो ग्लूटियल है। ठीक है, तो ये तीनों किसके हैं, जो आप देख सकते हो ये तीनों है IM के रूट, और ट्राइसेप्स का जो भी रूट है वो जो भी ट्राइसेप्स मसल्स है उसमें हम इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन नहीं लगाते। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेड टू द ईयर फ्रॉम थ्रोट थ्रो। जो भी मुख्यतः जो भी इन्फेक्शन है, ठीक है, वो जो भी अपना ईयर है वो गले से कैसे फैलता है। ठीक है, मतलब गले से होकर कान तक जो भी इन्फेक्शन है वो कैसे फैलता है, किसके द्वारा फैलता है। ऑप्शन में देखिए यूज टेकिन ट्यूब, कोक्लिया, ईयर केनाल और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो आपका जो भी राइट आंसर है वो जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर है वो क्या होगा।
तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यू स्टेकिन ट्यूब। ठीक है, यू स्टेकिन ट्यूब यह है, और जो भी पर्सन है, जो भी ह्यूमन है, उसमें क्या होता है, यह नाक से और जो भी गले से और कान से जुड़ी रहती है। ठीक है, नाक गले और कान को जोड़ने का काम करती है। तो अब देखिए, जो भी यू स्टेकिन ट्यूब है, यह क्या करती है, यू स्टेकिन ट्यूब है, यह रेगुलेट करती है, रेगुलेट एयर प्रेशर इनसाइड ईयर। ठीक है, जो भी ईयर के अंदर जो भी एयर प्रेशर है उसको रेगुलेट करती है, मेंटेन करने का काम करती है, क्या, यू स्टेकिन ट्यूब। ठीक है, ये किसको कनेक्ट करती है, आपके नोज को, थ्रोट को और ईयर को ये कनेक्ट करने का काम करती है, इसीलिए जो भी नोज का इन्फेक्शन है वो आपके ईयर तक फैल सकता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखेंगे हम, द टर्म थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स, आपको बताना है जो भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आपको पहले इसका थ्रोम्बो और साइटोपिनिया इसका अर्थ है वो समझना है, उसके बाद में आपको इसका आंसर है वो देना है। तो ऑप्शन को देख लीजिए, वीकनेस ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, लो प्लेटलेट काउंट, इंक्रीज प्लेटलेट काउंट और नॉर्मल प्लेटलेट काउंट। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, तो जो भी राइट आंसर है वो जल्दी कमेंट कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, लो प्लेटलेट काउंट, ये इसका राइट आंसर है, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, थ्रोम्बो, इसको देखिए अर्थ को समझिए, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट क्या होती है, प्लेटलेट्स। ठीक है, जो भी प्लेटलेट्स हैं हम उसको थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं, और इसके साथ में अगर कहीं पे पीनिया लगा है तो उसका समझ लेना कि कमी हो रही है वहां पे। ठीक है, वहां पे कमी हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो यहाँ पे क्या है, जो भी प्लेटलेट्स है उसकी कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, समझ गए, अगर यहाँ पे ल्यूकोपिनिया होता होता तो क्या होता, यहाँ पे ल्यूकोसाइट जो भी WBC है उसकी कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर, तो आपको ऑप्शन को देखिए बताना है कि इनमें से ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन सा है। ऑप्शन में देखिए, ल्यूकेमिया, एनीमिया, हीमोफीलिया और ल्यूकोपिनिया। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ये जेनेटिकली भी फैलता है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एग्जाम में ये भी आ सकता है, कौन सी क्लोटिंग फैक्टर की कमी से होता है, तो जो भी क्लोटिंग फैक्टर 8 है, ठीक है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है, उसकी कमी से भी होता है। ठीक, ये क्या है, हीमोफीलिया, ये क्या, एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर मतलब अगर किसी को हीमोफीलिया है तो उसके अंदर क्या है, ब्लड का थक्का नहीं बनेगा, जो ब्लड क्लोट है वो नहीं बनेगा, तो वहां पे अगर उसको चोट लगी है क्लाइंट को तो वहां पे रेगुलर ब्लीडिंग है वो देखने को मिलेगी, ये क्या है, हीमोफीलिया, ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ल्यूकेमिया क्या है, ल्यूकेमिया क्या है, ये ब्लड कैंसर है। एनीमिया क्या है, इसमें आपको HB जो भी हीमोग्लोबिन की कमी है वो देखने को मिलेगी ब्लड में। ल्यूकोपिनिया क्या है, जो भी ल्यूकोसाइटोसिस है उसकी कमी है, जो भी WBC है उसकी कमी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ब्लीडिंग डिसऑर्डर है वो सिर्फ एक ही है, वो क्या है, हीमोफीलिया। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रेट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन इज ग्रेटेस्ट इन द, तो आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा जो भी ड्रग अब्जॉर्प्शन है वो कहां पर होता है। ऑप्शन में देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमैक, गॉल ब्लैडर और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपका जो भी राइट आंसर है वो जल्दी कमेंट कीजिए, ड्रग अब्जॉर्प्शन की रेट बतानी है, सबसे ज्यादा किस में होता है, तो जो भी राइट आंसर है वो जल्दी कमेंट कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर ड्रग अब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा आपको जो भी ड्रग अब्जॉर्प्शन है वो देखने को मिलता है। ठीक, इसमें नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज कॉल्ड कोलार बोन, लगभग सभी को ये क्वेश्चन आता है, मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन आता होगा ये। ठीक है, कि जो भी कोलर बोन है हम कौन सी बोन को जानते हैं। ऑप्शन में देखिए, एसिटाबुलम, पैल्विक, स्केपुला और क्लेविकल। इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हर जो भी है, अगर हम जो भी क्वेश्चन ले तो उसमें से मैं हमेशा तीन चार क्वेश्चन तो एकदम से इजी लेता हूँ, कि कुछ कैंडिडेट अगर वो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उनको भी वो इजी लगे,
वो ऐसे डीमोटिवेट ना हो, कि अगर उनको कोई भी क्वेश्चन ना आए। वैसे तो ये जो भी सीएचओ और स्टाफ नर्स एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग इजी जैसे होते हैं, मतलब इतना हार्ड लेवल नहीं होता। तो आप इसका जो भी राइट आंसर है वो जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन डी, क्लेविकल। क्लेविकल को हम कोलर बोन के नाम से भी जानते हैं, और जो क्लेविकल है हम उसको ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। कौन सी बोन के नाम से जानते हैं? ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्लेविकल को हम कोलर बोन के नाम से भी जानते हैं, इसको हम ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं, और यह एकमात्र ऐसी लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टल पाई जाती है, ठीक है। ठीक है, ये क्लेविकल है जो ये वाली है। इसमें नेक्स्ट देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। आपको ये बताना है कि मास्टर ग्लैंड है वो कौन सी ग्लैंड है। ऑप्शन में देखिए, पेनक्रियाज, पिट्यूटरी, थायराइड और एड्रिनल। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। आधे महानुभाव क्या बोलते हैं कि हाइपोथैलेमस है उसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से नहीं जानते। मास्टर ग्लैंड हम पिट्यूटरी ग्लैंड को ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कई अदर जो भी ग्लैंड है, ऑर्गन्स है, उसके जो भी फंक्शन है उसको कंट्रोल करने का काम करती है, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम किस नाम से जानते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी इज रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। आपको ये बताना है कि जो भी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, MMR है, वो नीचे के जो भी रेट के जो भी डिजिट है उसमें किस में एक्सप्रेस है वो की जाती है, किस में बताई जाती है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए, पर 1000, पर 10,000, पर 1 लाख और पर 10 लाख। तो इसमें राइट आंसर है वो क्या होगा, 1000 पे या 10,000 पे, 1 लाख पे या फिर 10 लाख पे, जो भी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो कितने टर्म पे है वो हम एक्सप्रेस करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, तो जो भी MMR है वो किस पे कैलकुलेट की जाती है, 1 लाख पे, ठीक है। जो भी 1 लाख लाइव बर्थ है उस पे जो भी MMR है वो काउंट की जाती है, ठीक है। कितने पे की जाती है, 1 लाख पे, ठीक है। राइट आंसर आपका इसका क्या होगा, ऑप्शन सी। एग्जाम में 3 से 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। इसमें नेक्स्ट देखिए, द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ ए डिजीज और एन इन्फेक्शन एजेंट विद इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड। एक जियोग्राफिकल जो भी एरिया है, ठीक है, उसमें जो भी इन्फेक्शन एजेंट है, ठीक है, या इन्फेक्शन या डिजीज को हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन में देखिए, पैंडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक और स्पोरेडिक। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन सी, एपिडेमिक, ठीक है। एपिडेमिक के अंदर हम क्या लेते हैं, जो कोई लार्ज नंबर ऑफ पीपल है वो लेते हैं, कोई कम्युनिटी है उसको लिया जाता है, पॉपुलेशन के ग्रुप को लिया जाता है, ठीक है। उसमें वो क्या है, एपिडेमिक। पैंडेमिक ओवरऑल इन द वर्ल्ड, ठीक है, अगर कोई भी बीमारी को पूरे विश्व में फैल रही है, पूरे मतलब सभी जो कंट्रीज है उसमें फैल रही है, ठीक है, यानी लगभग 20-25 कंट्री है उनमें अगर आपको एक जो भी डिजीज है वो देखने को मिल रही है तो वो क्या है, पैंडेमिक, ठीक है। क्योंकि वो एक देश से दूसरे देश में फैल रही है, वो पूरे विश्व में फैल रही है। जैसे पैंडेमिक अभी चल रही है वो क्या है, कोविड, कोविड-19, ये क्या है, एक पैंडेमिक है, ठीक है। और स्पोरेडिक, इसमें आपको स्केटर्ड केस है वो डिजीज के वो देखने को मिलते हैं, ठीक। इसमें नेक्स्ट देखिए, ए वुमेन हु नेवर गिव बर्थ टू ए चाइल्ड, ठीक है, एक ऐसी लेडीज जिसने कभी किसी बच्चे को है वो जन्म नहीं दिया, उसको हम किस टर्म से जानते हैं। ऑप्शन में देखिए, नली पेरा, नली ग्रेविडा, प्राइमी पेरा और पार्टरियन। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नली पेरा, ठीक है। एक लेडीज है जिसने कभी किसी एक बच्चे को जन्म नहीं दिया। अगर एक जो भी लेडीज है, अगर कोई लेडीज है किसी बच्चे को जन्म देती है, अगर बच्चा मरा हुआ है, ठीक है, उसको एक भी बच्चा वो जीवित नहीं हुआ, वो भी नली पेरा में आती है। अगर कोई लेडीज है तो उसका मिसकैरेज हो गया, अबॉर्शन हो गया, ठीक है, तो वो किस में आएगी, नली पेरा में आएगी, क्योंकि उसने अभी तक कोई भी बच्चे को जीवित जन्म नहीं दिया है, तो वो भी नली पेरा में आती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, वो उसे हम किस टर्म से जानते हैं, वो होगी नली पेरा, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखिए,
इंक्रीज पिगमेंटेशन इन द फेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, फेस पे प्रेगनेंसी के दौरान पे आपको पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा, डार्क पिगमेंटेशन आपको देखने को मिलता है, तो उसके लिए कौन सा टर्म है वो काम में लिया जाता है? ऑप्शन में देखिए, लिनिया निग्रा, स्ट्रिक ग्रेविडा, क्लोजमा, केपुट मेडुसा। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? तो जो भी राइट आंसर है वो जल्दी कमेंट कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन सी, क्लोजमा देखने को मिलता है। क्लोजमा क्या है? जो भी मेलेनोसाइट्स है वो क्या होते हैं, वो हाइपर पिगमेंटेशन का काम करती है। जो भी फेस है वहां पे क्या है कि डार्क डार्क आपको धब्बे यानी डार्क स्किन है वो देखने को मिलेगा, ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन है वो देखने को मिलेगा। उसको हम मास्को प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं, मेलाज्मा के नाम से भी जानते हैं, वो क्या है, क्लोजमा। इसमें नेक्स्ट देखिए, द इम्यूनोग्लोबिन विच प्रोटेक्ट द न्यू बोर्न अगेनेस्ट एंटेरिक इन्फेक्शन, ठीक है, जो भी न्यू बोर्न है उसको कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है वो एंटेरिक इन्फेक्शन से बचाती है? तो ऑप्शन में देखिए, IgA, IgD, IgG और IgM। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है जो बच्चे को एंटेरिक इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है? तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन ए, IgA। तो जो भी IgA है, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा है, वो क्या करती है, वो बच्चे को इंटेरिक इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। IgA किस में पाया जाता है? जो भी ब्रिस्ट मिल्क है उसमें पाया जाता है, ठीक है, जो भी मदर है उसके ब्रिस्ट मिल्क में क्या पाया जाता है, IgA पाया जाता है, जो बच्चे को एंटेरिक इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखेंगे, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DPT वैक्सीन, जो भी DPT वैक्सीन है उसका आपको रूट बताना है कि वो कौन से रूट से दी जाती है। ऑप्शन में देखिए, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, जो भी DPT वैक्सीन है उसको हम कौन से रूट से देते हैं, इंट्रामस्कुलर। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस, इसको हम कौन से रूट से देते हैं, वो होगा इंट्रामस्कुलर रूट, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखेंगे, पेंटावेलेंट वैक्सीन इज गिवन एट, पेंटावेलेंट वैक्सीन है वो कब दी जाती है? ऑप्शन में देखिए, 4, 8, 12 वीक्स, 5, 10, 15 वीक्स, 4, 8, 16 वीक्स और 6, 10, 14 वीक्स। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, पेंटावेलेंट वैक्सीन है वो कब देंगे? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 6 वीक पे, 10 वीक पे, 14 वीक पे, जो भी पेंटावेलेंट वैक्सीन है वो दी जाती है। पेंटावेलेंट वैक्सीन में होता क्या है, पेंटावेलेंट मतलब ये 5 अलग वैक्सीन से मिलके बनी होती है, जिसमें आपको डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, ठीक है, और हेपेटाइटिस बी और हिमोफाइलस इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है वो देखने को मिलती है, किसमें, पेंटावेलेंट वैक्सीन में, ठीक है, समझ गए। कब देंगे, 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक पे, ठीक। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ओनली वे टू लिमिट द साइज एंड कंट्रोल द इंटरवेल बिटवीन बर्थ। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो भी बच्चों का जो भी बर्थ होता है उसके बीच में जो भी इंटरवेल है, गैप है, उसको बनाने के लिए कौन सा मेथड है काम में लेते हैं? ऑप्शन में देखिए, रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग, हेल्थ काउंसलिंग और ऑल ऑफ दीज। तो इसका साफ साफ आपको पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन बी, जो फैमिली प्लानिंग है ये एक ऐसा मेथड है जो बच्चों के बीच में स्पेस है वो बनाने के लिए की जाती है, ठीक है। इसके अंदर फैमिली प्लानिंग की जाती है कि अपना जो भी प्रेग्नेंट जो लेडी है वो प्रेग्नेंट कब होना चाहिए, मतलब उसको कम से कम 2 या 3 साल का गैप चाहिए, तो ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय आरएनए वायरस एक्सेप्ट, ठीक है, कौन सा ऐसा इन्फेक्शन है जो आरएनए वायरस के कारण से नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए, पोलियोमाइलाइटिस, मम्स, रूबेला, स्मॉल पॉक्स। तो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स ये होता है वेरियोला वायरस के कारण से, जो एक आरएनए वायरस नहीं है। पोलियोमाइलाइटिस, मम्स, रूबेला ये क्या है, ये आरएनए वायरस है, ठीक है, ये क्या है, आरएनए वायरस है। इन्फ्लुएंजा है, इबोला वायरस है, हेपेटाइटिस सी है,
और HIV है, ये क्या एक RNA वायरस है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे स्मॉल पॉक्स ये RNA वायरस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है स्मॉल पॉक्स के कारण से फैला था, तो वो था वेरियोला वायरस, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन द डायरिया लास्ट फॉर मोर देन 14 डेज इट इज कॉल्ड, जब डायरिया है वो 14 दिन तक भी चलता रहे, रेगुलर बना रहे, तो हम उसको कौन से टर्म से नाम से जानते हैं। ऑप्शन में देखिए, डिशेंट्री, एक्यूट वाटरी डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया और ऑल ऑफ दीज। आपको राइट आंसर वो कमेंट करना है। अगर डायरिया है वो 14 दिन तक भी बना हुआ है, ठीक है, अभी तक ठीक नहीं हुआ क्लाइंट, तो हम कौन से डायरिया या कौन से कंडीशन के नाम से जानेंगे। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन सी, परसिस्टेंट डायरिया, ठीक है। अगर डायरिया वो दो मोर देन 2 से 4 वीक तक रहे, तो हम उसको कौन से डायरिया के नाम से जानते हैं, परसिस्टेंट डायरिया, और हम इसको क्रोनिक डायरिया के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्रोनिक डायरिया के नाम से भी जानते हैं। अगर डायरिया 2 वीक से लेके 4 वीक तक बना रहे, ठीक है, तो उसको हम परसिस्टेंट डायरिया या क्रोनिक डायरिया के नाम से जानते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए प्रोटोजोअल डिजीज कॉज्ड बाय इंफेक्शन विद पैरासाइट ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम इज, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी प्रोटोजोअल डिजीज है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के कारण से होती है। तो ऑप्शन में देखिए, टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू और ड्रुसिलोसिस। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मलेरिया। मलेरिया होगा, उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, वो है प्लाज्मोडियम, ठीक है, और किसके काटने से फैलता है, जो भी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है उसके कारण से, ठीक है। उसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है, जो फिर वो फीमेल मॉस्किटो से, जो भी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है उससे किसमें एंट्री करेगा, जो भी ह्यूमन है, जो भी पर्सन है उसके अंदर एंट्री करेगा और मलेरिया को कॉज करेगा। इसमें नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एन एनिमल सेल, आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, जो भी ऑप्शन में ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा एनिमल सेल का पार्ट है वो नहीं है। ऑप्शन में देखिए, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो भी राइट आंसर है वो कमेंट करना है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आपको जो भी राइट आंसर है वो जल्दी कमेंट कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, सेल वॉल, ठीक है। ह्यूमन सेल है उसके अंदर क्या होता है, जो भी एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नोट दिया है कि कौन सी सेल है वो नहीं पाई जाती, यानी कौन सी सेल है उसके अंदर कौन सा पार्ट है वो नहीं पाया जाता। तो जो सेल वॉल है ये हमेशा किस में पाया जाता है, सिर्फ प्लांट्स में, जो भी प्लांट सेल है उसमें क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। जो भी एनिमल सेल है उसमें क्या देखने को मिलता है, उसमें आपको सेल मेम्ब्रेन वो देखने को मिलती है, सेल वॉल देखने को नहीं मिलती, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लाज्मा ऑफ द ब्लड इज मेड अप ऑफ, जो भी ब्लड का जो प्लाज्मा है वो किससे मिलके बना होता है। ऑप्शन में देखिए, प्रोटीन एंड साल्ट, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, और ऑप्शन डी को देखिए, प्रोटीन, वाटर एंड साल्ट। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा किससे मिलकर बना होता है, वो बना होता है प्रोटीन से, वाटर से और जो भी साल्ट हैं उनसे मिलके बना होता है, क्या वो बनता है प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन, वाटर और साल्ट से, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको देना है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए, द सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एंड ऑफ वुमेन्स रिप्रोडक्टिव ईयर इज रेफर्ड टू एज, जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एक एज पे, जो भी रिप्रोडक्टिव जो भी एंड एज पे क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो हम उसको कौन से टर्म से जानते हैं, एमेनोरिया, मेनोर्जिया, मेनोपॉज और मेनार्की। तो इसका जो भी राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कि नीचे जो भी कमेंट है उसके अंदर जो भी राइट आंसर है वो आप क्या करोगे, कमेंट करोगे, ठीक है। जो भी लास्ट का क्वेश्चन होता है वो हमेशा मैं इजी लेता हूँ, कि मतलब मोस्टली जो भी इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं स्टूडेंट वो सभी इसका आंसर दे सके, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जितने भी आपको जो भी स्टूडेंट है उनको जो भी अगर जो भी आंसर है वो कमेंट करना चाहिए। कई स्टूडेंट है वो कमेंट नहीं करते, ऐसे सोचते हैं कि हमारा गलत हो जाएगा,
हमारा गलत हो जाएगा तो बाकी के जो भी स्टूडेंट है वो वीडियो देख रहे हैं तो वो ये सोचेंगे कि इस स्टूडेंट को कुछ आता नहीं, इसका इसने गलत किया है। ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर आपको कोई भी आंसर आ रहा है तो वो आप दीजिए, ठीक है। उससे आपका सेल्फ इवैल्यूएशन होगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये आंसर मेरा सही है कि गलत है, ठीक है। तो ये था जो भी CHO एग्जाम है, स्टाफ नर्स एग्जाम है, उसके बारे में। अगर आपको स्टाफ नर्स की जो भी टेस्ट सीरीज है वो क्या करनी है, अगर ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए आपको होम नर्सिंग एकेडमी की एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के कोर्स है वो देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको PDF ई नोट्स, जिसमें आपको सिर्फ जो भी PDF है वो देखने को मिलेंगी, वो 299 रुपये में 1 साल के लिए। CHO का कोर्स है वो है 399 रुपये में, वो भी 1 साल के लिए। नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स है 699 रुपये में, वो भी 1 साल के लिए, ठीक है। इनमें बता देता हूँ इनमें क्या क्या मिलेगा। नर्सिंग ऑफिसर कोर्स है, इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, PDF है वो देखने को मिलेंगे, सब्जेक्ट के MCQ देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर है वो देखने को मिलेंगे, नॉन नर्सिंग पार्ट है वो देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक है, रिकॉर्ड किए हुए लेक्चर है वो देखने को मिलेंगे। और ये कोर्स है सिर्फ 699 रुपये में, और इसमें आपको कई जो भी इमेज बेस्ड के क्वेश्चन है वो भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। बात करता हूँ CHO के कोर्स की, ये सिर्फ 399 रुपये का है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज, आपको PDF, जो PDF मिलेगी इसमें सिंगल पैक में, कम्युनिटी MCQ मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, GK रीजनिंग के MCQ मिलेंगे, और रिकॉर्डेड लेक्चर है वो देखने को मिलेंगे, ये 399 रुपये में 1 साल के लिए। और नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स है वो है 699 में 1 साल के लिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, मैंने जो भी क्वेश्चन है और जो भी थ्योरी है वो एग्जाम के हिसाब से ही बनाता हूँ। मैंने इसमें ऐसे ही कुछ भी नहीं डाला कि जहाँ से उठाया वहां से डाल दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, उनको ज्यादा लिया है, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर कोर्स में मोस्टली जो क्वेश्चन है वो मैंने एंट्रेंस बेस्ड पे लिया है, कि जिसमें जो भी आगे अगर नॉट सेट के एग्जाम आए तो उसमें उन जो भी अपने स्टूडेंट है उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये था हमारे कुछ कोर्स के बारे में, और ये वीडियो था जो भी इंपॉर्टेंट है MCQ के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने जो भी जितने भी नर्सिंग के फ्रेंड है उनको शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो ओम नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।